ये देखो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक अब आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज अब कॉमन इमीटर कन्फिग्यूरेशन का अगर मैं बनाता हूँ तो ऐसा कुछ आता है। अगर ये ग्राफ पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है, ग्राफ पढ़े हो तो ये क्वेश्चन को कर सकते हो, अगर ग्राफ नहीं पढ़े हो तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा ये क्या है भाई, ये कहाँ से आया। चलो पहले एक बार हम कॉमन इमीटर दोबारा बना देते हैं। ये ट्रांजिस्टर है और ये है प्यारे बच्चों IE कॉमन, ये यहाँ से ये P बन गया और यहाँ से इधर जाए, इधर से आ गई IC कलेक्टर और ये लोड रेजिस्टेंस और ये N बन जाएगा N और ये रिवर्स बायस में कनेक्टर निगेटिव है तो पॉजिटिव से कनेक्ट कर गया, थोड़ा सा टर्मिनल हाई होता ये। अब यहाँ से IB आ जाएगी, ये वाली चीज़ IB और ये बेस और इमीटर फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो ये पॉजिटिव है और ये प्लस और ये माइनस कुछ ऐसा। यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस भी हम लोग लगा देते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करते हैं, यहाँ से इनपुट बेस रेजिस्टेंस ये वाली चीज़। अब ये कहता है यहाँ से जो आउटपुट लेते हैं हम, दिस इज द आउटपुट, आउटपुट आप यहाँ से लेते हो रेजिस्टेंस है और ये जो इनपुट वोल्टेज है, यहाँ से जो इनपुट वोल्टेज वी आई जो दिया गया, तो अगर आउटपुट वोल्टेज और वी आई में अगर ग्राफ ड्रा किया गया आउटपुट वोल्टेज यहाँ से और जो वोल्टेज यहाँ से सिग्नल दिया जा रहा है, जो लगाया जा रहा है, उसमें अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है इसका। अब ये ऐसा क्यों आता है ये पूरा डिटेल थ्योरेटिकल में हम लोग डिस्कस किए हैं। तो यहाँ से देखो ये वाला चीज़, ये तीन रीजन होता है इस ग्राफ में। पहले वाले रीजन में ये रीजन फर्स्ट, ये रीजन सेकेंड और ये जब कॉन्स्टेंट हो गया तो रीजन थर्ड। पहले रीजन में क्या होता है, हम वोल्ट इनपुट वोल्टेज जीरो से वी आई की जो वैल्यू है वो जीरो से इंक्रीज करते हैं बैरियर पोटेंशियल तक, बहुत कम मतलब स्मॉल वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल तक, तो लगभग जो आउटपुट वोल्टेज है वो कॉन्स्टेंट मिलता है, ये पहला। और इस रीजन को लगभग कोई करंट ही नहीं फ्लो होती है सर्किट में, इसमें आई बी इज इक्वल टू आई सी इज इक्वल टू ये सब जीरो जीरो होते हैं, आई बी आई सी आई ये सब जीरो होते हैं। इस रीजन को हम बोलते हैं कट ऑफ रीजन, ये जो होता पहला केस कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन क्या होता है यार, जब इनपुट वोल्टेज को जीरो से लेके कुछ स्मॉल वैल्यू तक बढ़ाओगे बैरियर पोटेंशियल तक, तो उसमें क्या होता है कि आई बी आई सी लगभग जीरो के बराबर करंट फ्लो होती है और जो वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट मिलता है, तो आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट है और इसको हम बोलते हैं कट ऑफ रीजन। और इसमें जो ट्रांजिस्टर है एज ए ऑफ स्विच काम करता है, ट्रांजिस्टर एज ए ऑफ स्विच काम करता है, ऑफ स्विच, ठीक है, ये क्योंकि पूरी करंट ही नहीं फ्लो हो रही है। चलो अब जो वोल्टेज है, जो इनपुट वोल्टेज है, ये वाली जो वोल्टेज है इनपुट वोल्टेज, ये वी आई है, इनपुट वोल्टेज को इससे थोड़ा सा आगे तक बढ़ाओ, और ज़्यादा बढ़ाते हो मतलब इसमें जो बढ़ा चुके थे उसे थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ाओ, इनपुट वोल्टेज और ज़्यादा बढ़ाओगे तो जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज बढ़ाओगे आई भी बढ़ेगी, तो आई भी बढ़ेगी यार, आई भी इंक्रीज होगा, आई भी इंक्रीज होगा तो आई सी इंक्रीज होगा, तो जब आई सी इंक्रीज होती है तो आउटपुट वोल्टेज बहुत तेज़ी से मैथमेटिकली भी देख सकते हो, यहाँ से आप एक आउटपुट वोल्टेज KVL लगा सकते हो अब थ्योरी में, यहाँ से ये जो चीज़ है बहुत तेज़ी से डिक्रीज होता है और आगे बढ़ाओगे ऐसे, तो ये जो ग्राफ ये करा कि वोल्टेज कम हो रहा है तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो बहुत शार्पली डिक्रीज हुआ, इस रीजन को हम बोलते हैं एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर। और यहाँ पे जो है आई बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई सी के, इससे पहले सब जीरो थे, तो ये जो रीजन है एक्टिव रीजन, ये यूज एज एम्पलीफायर। सेकेंड केस में क्या एक्टिव रीजन क्या यूज होता है, ये है एक्टिव रीजन, और इस एक्टिव रीजन को हम यूज करते हैं ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर, बराबर है, तो यहाँ से हम एम्पलीफायर में यूज करते हैं, एक्टिव रीजन है आई बी और आई सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई बी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे मेरे प्यारे बच्चों आई सी भी बढ़ेगी, ठीक है। चलो इसके बाद क्या होगा, कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दो इनपुट वोल्टेज को और भी ज़्यादा बढ़ा दो तो जो आई बी है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज हो जाती है,
तो आई भी बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाती है, तो आई सी भी बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगी, और उसके बाद एक ऐसे समय के बाद जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज कॉन्स्टेंट अगेन मिल जाता है, और अप्रॉक्सीमेटली ये जो कॉन्स्टेंट है बहुत ही कम, लगभग जीरो के बराबर अप्रोच कर जाता है, बहुत कम। तो इसमें जो ट्रांजिस्टर है इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन, और इस सैचुरेशन रीजन में जो ट्रांजिस्टर है, समझ रहे ना, ऑन स्विच काम करता है, ऑन स्विच, ऑन स्विच। तो ये तीन रीजन हो गए, और मैं थोड़ा सा आपको इसलिए एक्सप्लेन कर दिया कि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो इसलिए वो गंदे गंदे कमेंट ना करें, कमेंट हमेशा अच्छा किया करो। तो यहाँ से देखो, ये है ऑन ऑफ स्विच, ये है ऑन स्विच, सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन, ये जो चीज़ है। अब ट्रांजिस्टर जब हम ये स्विच यूज करते हैं, तो जब स्विच क्या होता है यार, या तो ऑन रहेगा या तो ऑफ रहेगा। तो जब भी हम ट्रांजिस्टर को जो स्विच यूज करेंगे, तो हम ये कोशिश करते हैं कि ट्रांजिस्टर इस रीजन में ना पहुंचे, एक्टिव रीजन में काम नहीं करे, इस वाले रीजन और इस वाले रीजन में काम करे, तो हम ट्रांजिस्टर जो स्विच यूज करते हैं, ठीक है। तो जब स्विच यूज करेंगे, या तो रीजन फर्स्ट में काम करेंगे या तो रीजन सेकेंड में काम करेंगे, इन बोथ द रीजन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड में, मतलब ये जो है ट्रांजिस्टर जो स्विच यूज करता है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, मजा आ गया होगा समझ के। चलो, कहता है कॉमन इमिट